नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंतराज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, ठीक रात के 9 बज रहे हैं और आप सभी को पता है कि 9 बजे अपने BSTC के लिए रीजनिंग का लाइव टेस्ट होता है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं VNR1 के बारे में। जी हां दोस्तों, आज का टेस्ट VNR1 का रहेगा। VNR1 के टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जुड़ जाइए इस लाइव सेशन में। जितने लोग आ चुके हैं एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग आ जाएं, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आवाज़ और वीडियो एकदम सही है क्या। फिर इस बेहतरीन टेस्ट की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सभी का वेलकम दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए इस लाइव सेशन का हिस्सा बनने के लिए। तैयार हो जाइए आप सभी लोग। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छे और लेवल के क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। निम्नांकित आरेखों में से निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आरेख आपको दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका कुर्सी मेज फर्नीचर। इन चार में से कौन सा आएगा कुर्सी मेज फर्नीचर के लिए, ये बताना है दोस्तों। कुर्सी मेज फर्नीचर इनके लिए इनमें से कौन सा आएगा, ABCD कौन सा राइट आंसर रहेगा, ये बताइए दोस्तों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कमेंट कर दीजिए। जितने लोग आ चुके हैं लाइक और शेयर कर दीजिए प्यारे साथियों। चलिए इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों बी, ये वाला करेक्ट रहेगा। कैसे, ये आपका हो जाएगा फर्नीचर, ये आ जाएगी कुर्सी और ये आ जाएगी क्या, मेज। ठीक है, कुर्सी और मेज दोनों ही फर्नीचर के अंदर आएंगे, इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है दोस्तों, बी ऑप्शन ये वाला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पहले में राइट आंसर हो गया। अगला देखिए क्या कह रहा है, शिक्षक दार्शनिक लेखक कौन सा आएगा, आप कमेंट कीजिए। आप दूसरे का राइट आंसर कमेंट करना है, शिक्षक दार्शनिक लेखक इन चारों में से कौन सा आएगा दोस्तों, ये बताना है आपको। शिक्षक दार्शनिक लेखक का कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, चलिए बताइए दोस्तों जल्दी से। वेरी गुड, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ये रहेंगे आपके शिक्षक, कुछ शिक्षक दार्शनिक भी हो सकते हैं, कुछ शिक्षक लेखक भी हो सकते हैं, कुछ लेखक दार्शनिक भी हो सकते हैं। डी ऑप्शन आपका दूसरे में करेक्ट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों। जिन्होंने भी डी ऑप्शन बताया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला देखिए, माता पिता कुटुंब, बताइए दोस्तों माता पिता कुटुंब इनके लिए इन तीनों में से कौन सा वेन डायग्राम आएगा। आप इन वेन डायग्राम को बना ले कॉपी में, ताकि जैसे ही मैं ऊपर चौथा पांचवा क्वेश्चन देखूंगा ये आपको दिखाई नहीं देंगे, आपको डायरेक्ट आंसर देना है। माता पिता कुटुंब के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चलिए पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आएगा इसमें, ये वाला। ठीक है, बी ये वाला डायग्राम जो देख रहे हैं तीसरे में, ये वाला डायग्राम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन का मतलब बी, बी का मतलब ये वाला जो डायग्राम मैं पेन से कर रहा हूँ क्लिक, इस पे देखिए ये वाला माता पिता कुटुंब, कुटुंब हो जाएगा ये माता पिता। ठीक है, चलिए अगला है शब्द वाक्य पैराग्राफ, शब्द वाक्य पैराग्राफ चौथा देख लिया, शब्द वाक्य पैराग्राफ। अब मैं वेन डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको, बताइए शब्द वाक्य पैराग्राफ, बताइए कौन सा वेन डायग्राम बनेगा इन चारों में से। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ये बनेगा दोस्तों पहले वाला। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर आएंगे वाक्य, वाक्य के अंदर आएंगे शब्द। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर वाक्य, वाक्य के अंदर आएंगे शब्द, इसका मतलब आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला देखिए, कौवा सांप गाय, कौवा सांप गाय दोस्तों, कौवा सांप गाय कौन सा बनेगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। कौवा सांप गाय कमेंट करेंगे दोस्तों, कौवा सांप गाय के लिए कौन सा सुटेबल रहेगा। वेरी गुड, सभी को कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों। कौवा सांप गाय का कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। सभी अलग अलग रहेंगे, कौवा सांप गाय तीनों अलग अलग रहेंगे, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, छठा। अब अलग अलग आपके डायग्राम हैं और अलग अलग ही क्वेश्चन आ रहे हैं। कमल फूल गुलाब, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको। कमल फूल गुलाब इनका वेन डायग्राम क्या बनेगा दोस्तों, कमल फूल गुलाब। वेरी गुड, जल्दी से कमेंट करेंगे, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये आपको कमेंट करना है। वेरी गुड दोस्तों, कमल फूल गुलाब का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। कमल और फूल दोनों ही किस में आएंगे, कमल और गुलाब, ये हो गया कमल, ये हो गया आपका गुलाब, दोनों ही किस कैटेगरी में आएंगे, फूल की कैटेगरी में आएंगे, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठे क्वेश्चन में जिन्होंने भी सी ऑप्शन बताया बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला 7वां क्वेश्चन अब आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। त्रिभुज चतुर्भुज वर्ग मोस्ट है, इसको ध्यान से देख लेना दोस्तों, कितने लोग सही बताते हैं देखना है। त्रिभुज चतुर्भुज वर्ग कौन सा राइट आंसर रहेगा 7वें में, ये बताइए, ए बी सी या डी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने अवेलेबल है, राइट आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों, ये आपको बता के जाना है। बताइए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हो मेरे प्यारे साथियों, वेरी गुड, बहुत शानदार परफॉर्मेंस, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये वाला अलग वाला आपका त्रिभुज का रहेगा, ठीक है, और जो वर्ग है ये बाहर वाला आपका चतुर्भुज हो जाएगा और ये वर्ग अंदर वाला हो जाएगा, ठीक है। वर्ग चतुर्भुज की कैटेगरी में आएगा लेकिन त्रिभुज बिल्कुल ही अलग है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। 7वें में जिन साथियों ने डी ऑप्शन बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, बहुत शानदार परफॉर्मेंस आपकी। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ दोस्तों, अगला 8वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कुत्ता बिल्ली जानवर इनको, इनके संबंध को प्रदर्शित करने वाला वेन डायग्राम इन 4 में से कौन सा है दोस्तों, ये कमेंट कर दीजिए। कुत्ता बिल्ली जानवर इनके संबंध को दर्शाने वाला वेन डायग्राम दोस्तों, वेरी गुड, सभी को कमेंट करना है। 8वें में दोस्तों कौन सा हो जाएगा, जी हाँ, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, बार वाला आपका जानवर का हो जाएगा, ये हो जाएगा कुत्ता, ये हो जाएगा बिल्ली, दोनों कुत्ता और बिल्ली दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों जानवर की ही कैटेगरी में आएंगे, इसलिए दोस्तों 8वें में ए ऑप्शन जिन्होंने बताया, ए ऑप्शन 8वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया तैयारी आप लोगों की, इसी प्रकार से आप टेस्ट देते रहिए, इस तैयारी को कंटिन्यू रखिए दोस्तों। अगला नम्मा क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों अब आपके सामने ला रहा हूँ मैं, नम्मा क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। सोना धातु जिंक इनको दर्शाने वाला वेन डायग्राम कौन सा बनेगा, सोना धातु जिंक कमेंट कीजिए दोस्तों, ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सोना धातु और जिंक के संबंध को दर्शाने वाला वेन डायग्राम बताइए दोस्तों, वेन आरेख कौन सा राइट आंसर बनेगा 9वें क्वेश्चन का, फटाफट से बताएंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो
सोना और जिंक है, दोनों ही धातु की कैटेगरी में आएंगे। ये आपका सोना हो जाएगा और ये आपका जिंक हो जाएगा, ठीक है। सोना और जिंक जो है दोस्तों, वे दोनों ही धातु की कैटेगरी में आएंगे, दोनों ही धातु है, इसलिए आपका 90 में सी ऑप्शन जिन दोस्तों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको ये भी लास्ट में बता के जाना है मुझे। 10वां क्वेश्चन अब आपके सामने है, लोहा तांबा पीतल, चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, लोहा तांबा पीतल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों कमेंट करेंगे जल्दी से। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, लोहा तांबा पीतल दोनों तीनों ही अलग अलग रहेंगे, लोहा तांबा और पीतल तीनों ही अलग अलग, तीनों के अलग अलग गुण हैं दोस्तों। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 10वें में जिन्होंने भी ए ऑप्शन बताया है, वेरी नाइस फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक और लाइव की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अपने सभी मित्रों को बुला लीजिए, उनकी तैयारी का भी आंकलन हो जाएगा आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अब, पतलून कमीज वस्त्र इनके संबंध को दर्शाने वाला वेन डायग्राम कौन सा बनेगा, ये आपको बताना है दोस्तों कमेंट करके। पतलून कमीज वस्त्र इनको दर्शाने वाला वेन डायग्राम कौन सा बनेगा दोस्तों, बताइए। फास्टली कमेंट करेंगे, 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने अवेलेबल है, राइट आंसर आपको कमेंट करना है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए 11वें का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। वस्त्र हो जाएगा बार वाला, अंदर हो जाएगा आपका पतलून और एक हो जाएगा कमीज। कमीज और पतलून दोनों ही वस्त्र की श्रेणी में आएंगे, लेकिन दोनों हैं अलग अलग। पतलून और कमीज दोस्तों दोनों अलग अलग रहेंगे, लेकिन आएंगे वस्त्र की श्रेणी में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आकृति कबूतरों पक्षियों और कुत्तों के बीच संबंध को दर्शाती है। कबूतर पक्षी और कुत्ता इनके बीच संबंध को दर्शाने वाली कौन सी आकृति है दोस्तों, कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आप सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने प्रदर्शित है। बहुत ही बढ़िया, 12वें का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। पक्षी की श्रेणी में आएगा कौन, कबूतर, लेकिन कुत्ता अलग हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कबूतर पक्षी की श्रेणी में ही आएगा, लेकिन कुत्ता अलग हो जाएगा, इसीलिए आपका 12वें में ए ऑप्शन जिन दोस्तों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, 12वें में ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन चुका है, ठीक है। अगला देखिए 13वां क्वेश्चन अब आपके सामने ला रहा हूं मैं, ये लीजिए, दिए गए विकल्पों में से वह वेन आरेख चुनिए जो शार्क वहल और समुद्री कछुओं के बीच में संबंध का सही निरूपण करता है। क्या क्या है, शार्क वहल और समुद्री कछुआ इनके बीच संबंध को दर्शाने वाला वेन डायग्राम कौन सा है दोस्तों। चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आपको राइट आंसर देना है। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे, 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर कितने लोग सही देते हैं ये देखना है मेरे प्यारे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए जल्दी से फास्टली कमेंट करेंगे दोस्तों, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जो लोग सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कैसे, अब ध्यान से सुनना, शार्क मत्स्य वर्ग का है, ये मान लीजिए शार्क है, तो शार्क मत्स्य वर्ग का है।
वहल, ये मान लीजिए वहल एक स्तनधारी है, और ये मान लीजिए समुद्री कछुआ है, तो समुद्री कछुआ एक सरीसृप का वर्ग का रहेगा। ठीक है, शार्क एक मत्स्य वर्ग का है, वहल एक स्तनधारी है, जबकि समुद्री कछुआ सरीसृप वर्ग का है, इसीलिए तीनों में कोई संबंध नहीं है, अलग अलग रहेंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जिन दोस्तों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या भी कर रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे कि सर आपने सी कैसे मान लिया। प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करूँगा मेरे प्यारे साथियों, हर रोज रात को 9 बजे क्लास लगती है आपके लिए। चलिए, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार कमेंट करके बता दो भाई, सभी लोग टेस्ट देने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हूँ, मज़ा आ जाएगा आज आपको, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार चैनल पे पधार रहे तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने 14वां, ये लीजिए। निम्नलिखित में से सही आकृति का चयन कीजिए, नीली आंख वाले व्यक्ति, स्त्रियां, डॉक्टर। अब बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीली आंख वाले व्यक्ति, स्त्रियां और डॉक्टर, इनमें आपस में संबंध को दर्शाने वाला वेन डायग्राम इन चार में से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए फास्टली करेंगे दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का डिटेल में भी आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे मेरे प्यारे साथियों। वेरी गुड, 14वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है ना, डी ऑप्शन कैसे रहा दोस्तों, डी ऑप्शन देखिए ये कैसे बना, ये ऐसे बना कि मान लीजिए ये नीली आंख वाले व्यक्ति हैं, तो नीली आंख वाले स्त्रियां भी हो सकती है, कुछ स्त्रियां नीली आंख वाली हो सकती है, ठीक है, कुछ स्त्रियां डॉक्टर भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है ना, और कुछ डॉक्टर नीली आंख वाले भी हो सकते हैं, स्त्रियां भी डॉक्टर बनती है, ध्यान रखें केवल पुरुष ही डॉक्टर नहीं बनते हैं, ठीक है ना। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका 14वें में डी जिन्होंने बताया, बिल्कुल सही सोचा है मेरे प्यारे साथियों, अद्भुत प्रदर्शन आप सभी का डी बताने वालों का, 14वें में डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, 15वां क्वेश्चन देखिए। वह आकृति चुनिए जो एथलीटों, फुटबॉल खिलाड़ियों और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच संबंध को दर्शाती है। वह आकृति चुनिए जो एथलीटों, फुटबॉल खिलाड़ियों और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच संबंध को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने अवेलेबल है, राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए दोस्तों। फास्टली कमेंट करना है दोस्तों, फास्टली, वेरी गुड दोस्तों, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए बी ऑप्शन कैसे हुआ, एथलीट क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं, फुटबॉल खिलाड़ी भी हो सकते हैं, कुछ फुटबॉल खिलाड़ी एथलीट भी खेलते होंगे, वो उनका इंटरेस्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बी जिन्होंने भी बताया दोस्तों, बी 15वें में बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, राइट। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, 16वां क्वेश्चन आपके सामने है। वह नारी चुनिए जो इनके संबंध को प्रस्तुत करता है, कैप्सूल, एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक और सुइया यानी इंजेक्शन। कैप्सूल, प्रतिजैविक और इंजेक्शन, इनके संबंध को दर्शाने वाला कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये देखना, इंटरेस्टिंग होगा कि कितने लोग 16वें का राइट आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे प्यारे साथियों, बताइए देखिए राइट आंसर कितने लोग करते हैं। कैप्सूल, इंजेक्शन और एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, सी जिन्होंने भी बता दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कैप्सूल और इंजेक्शन दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का प्रयोग एंटीबायोटिक के रूप में करते हैं, ये बाहर वाला एंटीबायोटिक रहेगा, अंदर ये वाला कैप्सूल और ये आपका इंजेक्शन, दोनों ही एंटीबायोटिक के रूप में हो सकते हैं, कैप्सूल और इंजेक्शन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को भी, 16वें में सी जिन्होंने बताया बिल्कुल सही है दोस्तों, 100% सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए 17वां,
निम्नलिखित चार आरेखों में से संगीतकारों, वादकों और वायलिन वादकों के बीच सही संबंध कौन सा आरेख दर्शाता है? संगीतकारों, वादकों एवं वायलिन वादकों के बीच के संबंध को दर्शाने वाला वेन डायग्राम कौन सा होगा, ये बताइए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने अवेलेबल है, राइट आंसर कमेंट कर दें। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जोश के साथ टेस्ट दिया करो मेरे प्यारे साथियों। 17वें का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संगीतकार बार वाला रहेगा संगीतकार, उससे अंदर वाला आपका रहेगा वादक, और उसके अंदर वाला रहेगा वायलिन वादक, ठीक है, वायलिन वादक। तो ए ऑप्शन जिन साथियों ने बताया है, संगीतकार, संगीतकार के अंदर वादक, वादक के अंदर वायलिन वादक, ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कम है, लाइक और शेयर कर दीजिए, लाइव की संख्या बढ़ा दीजिए दोस्तों। अगला 18वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कीटों, मक्खियों और कुत्तों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है? कीटों, मक्खियों और कुत्तों के बीच का संबंध सही निरूपण करता है, ऐसा कौन सा वेन डायग्राम है, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। जल्दी से कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। जल्दी से बताइए दोस्तों 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों, कमेंट करना है आप सभी को, लाइक और शेयर करना है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं 18वें में राइट आंसर है। कैसे देखिएगा, कुत्ता कीट से अलग है, मक्खी एक कीट ही है दोस्तों, ठीक है। ये बार वाला आपका कीट हो गया, कीट के अंदर मक्खी आ गई, लेकिन आपका ये वाला जो कुत्ता है ये वाला अलग हो गया, कुत्ते का वहन आरेख अलग हो गया, मक्खी कीट के अंदर ही आएगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार कुत्ता कीट से अलग होगा, लेकिन मक्खी एक प्रकार का कीट ही है, तो मक्खी के अंदर आपका कीट आ गया, लेकिन कुत्ते का वेन डायग्राम अलग हो गया, इसलिए बी ऑप्शन जिन दोस्तों ने 18वें बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, 18वें का बी ऑप्शन। वेरी गुड दोस्तों, अच्छा प्रदर्शन। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए 19वें पे, गाजर भोजन एवं वनस्पति, गाजर भोजन एवं वनस्पति को कौन सी आकृति निरूपित करती है, ए बी सी या डी, बताइए दोस्तों 19वें का राइट आंसर। गाजर भोजन एवं वनस्पति को कौन सी आकृति निरूपित करती है, आप सभी को राइट आंसर बताना है दोस्तों 19वें का। कितने लोग बताते हैं ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने प्रदर्शित है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड, आने लगे हैं आंसर, जल्दी से कमेंट करो। चलिए 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 19वें का राइट आंसर दोस्तों, वेरी गुड, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। सबसे पहले बनेगा गाजर, उसके बाद बनेगा आपका वनस्पति, और उसके बाद आपका बनेगा भोजन, ठीक है। गाजर एक वनस्पति है तथा सभी वनस्पति भोजन होते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गाजर एक वनस्पति है और सभी वनस्पति भोजन के रूप में होते हैं, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। जिन साथियों ने 19वें में ए बताया है बिल्कुल काबिले तारीफ हो दोस्तों, अद्भुत प्रदर्शन। 20वां क्वेश्चन आ चुका आपके सामने, चलिए अब आपको इस प्रकार बताना है, भारत पाकिस्तान और एशिया, 20वां देखिए नीचे दिखाई दे रहा है आपको, भारत पाकिस्तान और एशिया इनको दर्शाने वाला वेन आरेख कौन सा है। ऊपर चार ऑप्शन है, ए बी सी या डी, जल्दी से बताइए 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने अवेलेबल है, चलिए फास्टली कमेंट करेंगे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, अद्भुत प्रदर्शन आप सभी का, जल्दी से कमेंट कीजिए। हर रात को 9 बजे ये क्लास होती है दोस्तों, टेस्ट चल रहे हैं आपकी तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बार वाला आपका एशिया बन जाएगा, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन दोनों एशिया में ही हैं, तो भारत और पाकिस्तान तो अलग अलग हैं, यह आपका भारत हो गया या पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ये दोनों ही किस में आएंगे, एशिया में आएंगे दोस्तों, ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ए ऑप्शन, ठीक है।
20वें का ए ऑप्शन। चलिए 21वें में देखिए दोस्तों, 21वें में चाय, कॉपी चाय और पे, कॉपी चाय और पे को दर्शाने वाले इन चार में से कौन सा वेन डायग्राम है 21वें का, बताओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने अवेलेबल है, राइट आंसर बताइए दोस्तों। वेरी गुड, 21वें में क्या आएगा जल्दी से बताएं। चलिए ए ऑप्शन आएगा, चाय और कॉपी दोनों अलग अलग लेकिन दोनों पेय पदार्थ हैं, ये आपका चाय बन जाएगी या आपकी कॉपी बन जाएगी, ठीक है। चाय और कॉपी भले ही अलग अलग हैं लेकिन दोनों पेय पदार्थ हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रह जाएगा दोस्तों 21वें में। 22वें में आ जाइए, 22वां क्या कह रहा है, 22वां कह रहा है दरवाजा, खिड़की, घर। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 22वां क्या कह रहा है, दरवाजा, खिड़की और घर, इनको दर्शाने वाला वेन डायग्राम कौन सा होगा। 22वां मैंने लिख दिया है दरवाजा, खिड़की और घर, इनको दर्शाने वाला कौन सा वेन डायग्राम होगा ये बताइए 22वें का राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। वेरी गुड, 22वें का भी ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका घर हो जाएगा, ये दरवाजा और ये हो जाएगी खिड़की। खिड़की और दरवाजा दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों घर के अंदर ही होते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा इनको देखते हुए 22वें में ए ऑप्शन। जिन्होंने भी बताया दोस्तों बहुत ही बढ़िया तैयारी, आपकी तैयारी करते रहिए हमारे टेस्टों के साथ में। अगला क्वेश्चन आ रहा है अब आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23 पुलिस डॉक्टर महिला, मैं लिख देता हूँ 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुलिस डॉक्टर महिला, पुलिस डॉक्टर और महिला को दर्शाने वाला कौन सा वेन डायग्राम रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे ये पूछा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे ये पूछा हुआ है कि कौन सा रहेगा पुलिस डॉक्टर और महिला के वेन डायग्राम को, इनके संबंध को दर्शाने वाला वेन डायग्राम। चलिए बहुत ही बढ़िया, 23वें का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे, पुलिस डॉक्टर और महिला को दर्शाने वाला वेन डायग्राम। वेरी गुड, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से समझ गए ना, बीच में आएगी दोस्तों महिला, या महिला का डायग्राम रहेगा, ये वाला आपका डॉक्टर का हो जाएगा, ये वाला आपका पुलिस का। पुलिस और डॉक्टर दोनों अलग अलग है दोस्तों, पुलिस और डॉक्टर दोनों अलग अलग बनेंगे लेकिन कुछ महिलाएँ डॉक्टर हो सकती है, कुछ महिलाएँ पुलिस में हो सकती है, इसीलिए पुलिस और डॉक्टर अलग अलग है लेकिन कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती है, कुछ पुलिस महिलाएं हो सकती है, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन बताया है 23वें में, बहुत ही बढ़िया तैयारी दोस्तों। 24वां देखिए, स्तनधारी, गाय और कुआ। चलिए 24वां में यहाँ पे लिख लाऊँ, 24वां स्तनधारी एक है आपके गाय, एक है कुआ, बताइए कौन सा डायग्राम बनेगा। स्तनधारी, गाय और कुआ को दर्शाने वाला इन चार में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों ये कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। स्तनधारी, गाय और कुआ को दर्शाने वाला कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने अवेलेबल है। चलिए 24वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल वेरी गुड, 24वें का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका स्तनधारी का हो जाएगा, गाय स्तनधारी में आएगी लेकिन कुआ अलग हो जाएगा, ठीक है, ये कुआ का बन जाएगा। तो गाय जो है दोस्तों स्तनधारी में आएगी लेकिन कुआ अलग हो जाएगा, अलग कैटेगरी में आएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 24वें में बी। जिन्होंने भी बताया दोस्तों बहुत ही बढ़िया तैयारी है, ठीक है। ये थे मेरे प्यारे साथियों रीजनिंग के आपके वेन डायग्राम के 24 क्वेश्चन, आज हमने 24 क्वेश्चन देखे, 24 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप एक बार कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। कुल 24 क्वेश्चनों का टेस्ट लिया है मेरे प्यारे साथियों, वेन डायग्राम का टॉपिक आपका अब क्लियर हो जाना चाहिए। 24 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, 24 में से कितने सही हो चुके हैं दोस्तों।
चलिए फास्टली कमेंट करेंगे। चैनल पर पहली बार पधारे तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना है मेरे प्यारे साथियों, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करना है। लाइक और शेयर कीजिए। रात को 9 बजे डेली ये क्लास लगती है दोस्तों, ठीक है ना। सुबह दोस्तों कल 7 बजे ही क्लास लगेगी दोस्तों, कल का टाइम यथावत रहेगा। हिंदी की क्लास लगेगी 7 बजे, कल शिक्षण अभिरुचि की भी क्लास लगेगी दोस्तों 10 बजे, शिक्षण अभिरुचि की क्लास 100% लगेगी। 3 बजे आपका जीके का मेगा टेस्ट रहेगा और रात को 9 बजे रीजनिंग का टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लाइव सेशन के दौरान में दोस्तों, तैयारी करते रहिए, तैयारी को अपनी मजबूत कर लीजिए, अच्छी कॉलेज मिलेगी आपको दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।